वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक YouTube वीडियो को वायरल करने के लिए टाइटल, टेक, डिस्क्रिप्शन और सही स्क्रिप्ट यहां पर जो है काफी ज्यादा जरूरी होती है। अब YouTube ने अपना खुद का AI यहां पर जो है लॉन्च कर दिया है और जिसके थ्रू YouTube आपको खुद यहां पर बताएगा कि आपको आपके वीडियो टॉपिक के लिए स्क्रिप्ट किस तरह से तैयार करनी है, उसमें टाइटल क्या देना है, टेक क्या देना है और डिस्क्रिप्शन क्या देना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं YouTube ने ये फीचर्स कहाँ पर दिया है और इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हुए आप अपने YouTube चैनल पर ज्यादा व्यूज यहाँ पर जो है ला सकते हैं, अपने वीडियो को ज्यादा वायरल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सेठ सोलंकी, आप देख रहे हैं स्टॉक चैनल जहाँ पर आपको YouTube ब्लॉगिंग और टेक्नोलॉजी ज्ञान समय समय पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपने चैनल को यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको जो है मैनेज वीडियो वाले टैब में चले जाना है। यदि आप अपने चैनल को मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो इसको जो है आपको डेस्कटॉप मोड में यहाँ पर जो है ओपन करना है। यहाँ पर जो है आपको एनालिटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जो है आप करेंगे क्लिक और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको इंस्पिरेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको आइडिया बता दिया जाएगा कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर है वो किस तरह की YouTube वीडियो जो है यहाँ पर देखना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से एक तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो यहाँ पर बनानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एक सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में आप जिस भी तरह का वीडियो बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पर जो है सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हाउ टू मेक पास्ता, तो यहाँ पर जो है आपको इसी वीडियो के लिए टाइटल क्या रखना है ये यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा, यानी कि सिमिलर आइडियाज देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर जो है YouTube पर ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। इनको जो है आप चाहे तो अपने YouTube वीडियो का टाइटल बना सकते हैं और इन्हें यहाँ पर जो है नोट करके इन्हें जो है टैग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो जो है ज़्यादा वायरल यहाँ पर हो सके। वहीं पर यहाँ पर जो है आपको क्रिएट आउटलाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जो है आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट तैयार करके दे दी जाएगी कि आपको आपके वीडियो में कौन कौन से पॉइंट को यहाँ पर जो है हाईलाइट करना है जिससे कि आपका वीडियो यहाँ पर जो है सही तरीका से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर पास्ता के लिए क्या क्या मटेरियल आपको लगेगा वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया गया है, ये भी जो है आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई है कि पास्ता आपको जो है किस तरह से यहाँ पर बनाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है रेसिपी के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसके बेनिफिट के बारे में पॉइंट दिए गए हैं। तो इन पॉइंट को जो है आप अपने वीडियो में ऐड करके एक अच्छी स्क्रिप्ट यहाँ पर जो है तैयार कर सकते हैं। पास्ता बनाने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है आपको यहाँ पर नोट करके दे दिए गए, इन्हें जो है आप अपने वीडियो में ऐड करेंगे और आप वीडियो की स्क्रिप्ट यहाँ पर जो है तैयार कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो चार पांच मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं इन्हें जो है आप अपने टैग में यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन्हें जो है लिख सकते हैं और टाइटल के लिए पहले सिमिलर आइडियाज वाले ऑप्शन जो है पहले मैंने आपको यहाँ पर बताई दी है। तो इस तरह से आप यूट्यूब के इस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आप जिस भी तरह का वीडियो बना रहे हैं उसे जो है सर्च कर सकते हैं। कुछ और सर्च करके यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया हाउ टू मेक थंबनेल इन कैनवा, कि केनवा में थंबनेल किस तरह से यहाँ पर बनाए, यहाँ पर जो है आपको सिमिलर आइडियाज देखने को मिल रहे हैं। इन्हें जो है अगेन आप यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग के लिए यूज कर सकते हैं, इन्हें नोट करके जरूर रखिए। यहाँ पर क्रिएट आउटलाइन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी जाएगी कि आप केनवा का यूज करते हुए थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं और अपने स्क्रिप्ट में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर रखनी है, ये जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखकर आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट दिए गए हैं इन्हें जो है आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे जिससे कि आपका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर जो है सर्चेबल बनेगा और आपका वीडियो ज्यादा वायरल होने के चांस यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से YouTube ने अपना खुद का एक AI यहाँ पर जो है लॉन्च किया है। हालांकि ये YouTube का AI अभी यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में है, इसमें कुछ और लैंग्वेजेस में सर्च करने का ऑप्शन जो है अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही और भी लैंग्वेजेस में यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। कुछ टॉपिक यहाँ पर सर्च किए जाए तो उसके सही जवाब यहाँ पर जो है नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग में है। ये कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो है इसका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ज्यादा हेल्प एक यूट्यूब क्रिएटर को यहाँ पर करने वाला है। तो यूट्यूब की ओर से जारी किया गया नया फंक्शन मुझे तो जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप भी इसे यूज करके देखिए और इसके रिजल्ट किस तरह से मिल रहे हैं और ये नया टूल आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जहां पर हम आपको YouTube ब्लॉगिंग और टेक्नोलॉजी AI से जुड़े टॉपिक पर समय समय पर वीडियो देते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।